अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियाँ उमर, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनमें रहते हुए आप रियल एस्टेट के अंदर जो है वो पैसा कमा सकते हैं? तीन मेजर तरीके जो हैं वो जिनसे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट या बहुत अच्छा जो है अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका जो है वो है ट्रेडिंग का, कि आप किसी भी सोसाइटी के की फाइल्स को बल्क में बाय करते हैं। बाय करने के बाद उसको आप थोड़ा सा वेट करते हैं, विद इन वन वीक और 2 वीक, 1 मंथ या 2 मंथ, उसके अंदर उन प्राइसेस, उन फाइल्स की जो प्राइस है वो जैसे ही इंक्रीज़ करती है, वो फॉर एग्जांपल 50,000 का इंक्रीज़ भी हो सकता है पर फाइल, या 20,000 का इंक्रीज़ भी हो सकता है, तो आप उस फाइल्स को मार्केट में सेल आउट करके मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। ये होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिससे आप एक बहुत अच्छा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। दूसरी जो है वो है होल्डिंग, कि आप एक ऑन ग्राउंड प्लॉट जो है वो किसी सोसाइटी में या किसी जगह पर बाय करते हैं, आपको उसके अंदर एक पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है कि आज ये प्लॉट जो है, फ़र्ज़ कर लें अगर 50 लाख का है, तो आने वाले छः सालों में या ऑलमोस्ट कोई 2 से 3 ईयर्स के अंदर ये प्राइस यहाँ पे कोई डेवलपमेंट की वजह से, या कोई जैसे लाहौर के अंदर किसी जगह से रिंग रोड गुजर रहा है, उसके साथ साथ जो एरियाज़ हैं उनकी प्राइसेज जो हैं वो रिंग रोड की वजह से इंक्रीज़ हो जाएगी, तो लोगों ने वहाँ पर बाई किए प्लॉट्स वगैरह और उसको ऑलमोस्ट 1 ईयर या 2 ईयर अपने पास रखा। जैसे ही उसकी प्राइस इंक्रीज हुई, उन्होंने प्लॉट जो है वो सेल आउट कर दिए और वहाँ से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया। तो जो तीसरा तरीका है वो है रेंटल इनकम। आप किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी जगह पे आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, चाहे वो कमर्शियल प्लॉट्स हों या कमर्शियल बिल्डिंग हो, प्लाजे हैं, या कोई आपके पास रेजिडेंशियल के अंदर कोई हाउस वगैरह है, तो आप उसको रेंट आउट करके वहाँ से जो है वो एक बहुत अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फिर जब आप ये रेंटल के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर फिर उस कंट्री के अंदर रिसेशन चल रहा है या मतलब कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, उसका रेंटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मंथली जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो आपकी इनकम जनरेट हो रही है और आपको एक बहुत अच्छी जो अमाउंट है वो इन द मंथ एंड जो है ना वो आपको मिल रही है। तो ये तरीके हैं रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के। तो आप देखें कि आप किस तरीके से और कौन सा ऑप्शन यूज़ करके आप जो है ना इसके अंदर से रियल एस्टेट में रहते हुए पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू।